बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हिंदू बच्ची एक दिन अपने बाप का हाथ पकड़ कर कहती है, बाबा आप रोज़ मंदिर जाते हो दूध लेकर, बाबा करते क्या हो? बाबा कहता है, बेटी जाता हूँ अपने देवता को दूध चढ़ा के आता हूँ। बच्ची कहने लगी, बाबा क्या वो इस दूध को पीते हैं? पंडित ने कहा, नहीं बेटी, हम उनके चरणों पर डालकर आ जाते हैं। बेटी कहती है, बाबा फिर आप दूध लेकर क्यों जाते हैं जब वो पीते नहीं हैं? बाबा कहता है, बेटी अजीब बात करती हो, पत्थर भी कभी पिया करते हैं। बच्ची कहने लगी, बाबा कल आप नहीं मैं जाऊंगी और दूध पिलाकर आऊंगी। बाप ने कहा, बेटी जाना ज़रूर, लेकिन ये ज़िद ना करके दूध पिलाकर आऊंगी। बच्ची ने कहा, बाबा इजाज़त तो दें। पंडित ने कहा, बेटी मर्जी है। दूसरे दिन बच्ची ने दूध लिया, मंदिर पहुंची, जाकर मंदिर में कहने लगी, अगर तू मेरा खुदा है तो ये दूध पी, मगर पत्थर कभी बोला नहीं करते। कोई जवाब नहीं आया। बच्ची की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी, मैं उस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगी जब तक तू दूध नहीं पिएगा। इसरार पर इसरार, कोई जवाब नहीं आया। बच्ची कहने लगी, आज तू दूध पी ले वरना तेरे कदमों में अपनी जान दे दूंगी। बच्ची अपना सर बुत के आगे ज़मीन पर मारना शुरू कर देती है। बच्ची के सर से खून बहना शुरू हो जाता है। बच्ची रो रही थी कि अचानक गली से एक बुज़ुर्ग का गुज़र हुआ। दुनिया इस बुज़ुर्ग को मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जानती है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने बच्ची को रोता देखा तो बच्ची के करीब आए और फरमाया, बेटी क्या मामला है, क्यों रो रही हो? बच्ची ने आपका चेहरा देखा और कहा, बाबा आप अपना काम करें और मुझे अपना काम करने दें। आपने फरमाया, बेटी बता तो सही बात क्या है? बच्ची ने कहा, बाबा ये मेरा खुदा है, मैं इसे कहती हूँ दूध पी मगर ये पीता नहीं है। आपने समझाया, बेटी ये पत्थर है, दूध नहीं पिएगा। उसने कहा, मैंने कसम खाई है जब तक ये दूध नहीं पिएगा मैं वापस नहीं जाऊंगी, या इसको दूध पीना पड़ेगा या फिर मैं अपनी जान दे दूंगी। आप उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और फरमाया, बेटी ये तेरा फैसला है? कहती है, हाँ बाबा ये मेरा फैसला है। आप रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़ते हैं और इस बुत को कान से पकड़कर कहते हैं, देखता नहीं बच्ची का खून बह रहा है, दूध क्यों नहीं पी लेता? इतना कहना था कि बुत में जान आ गई। हाथ आगे बढ़ते हैं, बुत ने हाथ में प्याला उठाया और दूध पीना शुरू कर दिया। बच्ची मुस्कुरा रही है, उसका काम हो चुका है। बच्ची वापस घर जाती है, माथे पर खून है, कपड़ों पर खून के निशान हैं, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट है। मोहल्ले वाले बच्ची को देखकर कहने लगे, पंडित जी आपकी बच्ची लगता है अपनी इज्जत गंवा कर आ रही है, इसका हाल बता रहा है कि इसके साथ कोई हादसा हुआ है। पूरी बस्ती जमा हो गई, कहते हैं, बेटी बता क्या हुआ तेरे साथ? बच्ची ने कहा, कोई हादसा नहीं हुआ, मेरी आबरू पर किसी ने हाथ नहीं उठाया, आज मैं अपने खुदा को दूध पिलाकर आ रही हूँ। सारे खानदान वाले सर पकड़कर बैठ गए, कहते हैं, ये कैसी बातें कर रही है, शायद ये पागल हो गई है, इसका दिमाग ख़राब हो गया है। बाप ने पूछा, बेटी सच बता क्या हुआ तेरे साथ? बच्ची ने कहा, मैं वादा करके गई थी अपने खुदा को दूध पिलाकर आई हूँ, किसी को यकीन नहीं आया। बच्ची ने कहा, कल मेरे साथ चलना, मैं फिर तुम्हें दूध पिलाकर दिखाऊंगी। सुबह का सूरज निकला तो सारी बस्ती इकट्ठी हो गई, कहने लगे, आज पंडित की बेटी अनहोनी को होनी कर देगी। बच्ची हाथ में प्याला लेकर चली है इसी मंदिर के पास और बुत के आगे प्याला रख कर कहती है, लो ये दूध पी लो, लेकिन आज पत्थर का पत्थर है, कोई हरकत इसमें नहीं थी। बच्ची रोकर कहती है, ऐ मेरे खुदा, आज मेरी इज्जत और आबरू का सवाल है। खानदान वालों ने कहा,
पंडित तुम्हारी बच्ची झूठ बोलती है, इसकी इज्जत लुट चुकी है। बच्ची सुनकर जोर से चीख मारती है और कहती है, ऐ मेरे खुदा, आज तू दूध पीता है कि नहीं, वरना फिर कल वाले बाबा को बुलाऊं, तब तो तू दूध पिएगा। इतना कहना था कि पत्थर में जान आ गई। दूध का प्याला पकड़ लेता है और दूध पीना शुरू कर देता है। बस्ती वालों ने कहा, ऐ बेटी, बता तो सही वो कल वाला कौन है जो इसे दूध पिलाकर गया है। बच्ची ने कहा, नाम नहीं मालूम, कहाँ से आया नहीं मालूम, लेकिन आया इधर से था और गया उधर से था। पूरी बस्ती दौड़ती है कि एक दरख्त के नीचे ख्वाजा गरीब नवाज हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा थे, पास आकर कहते हैं, ऐ बाबा, क्या तुम ही हो जिसने पत्थर को दूध पिलाया है। ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुराते हैं और फरमाते हैं, हाँ मैं ही हूँ। सब कदमों में गिर जाते हैं और कहते हैं, बाबा हमें भी बताओ वो कौन सा जादू है जिससे पत्थर दूध पीने लगता है। गरीब नवाज फरमाते हैं, ये किसी मंत्र या जादू की वजह से नहीं है, ताकत मेरे परवरदिगार की है। सब ने कहा, बाबा बताओ तो सही, तुम्हारा परवरदिगार कौन है। ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं, मेरा परवरदिगार वो है जो पैदा भी करता है, जिंदगी भी देता है, मौत भी देता है, रिजक भी उसकी कुदरत में है, पूरी कायनात का निज़ाम उसकी कुदरत में है। सब ने कहा, बाबा किस मज़हब से ताल्लुक़ है। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, मेरा ताल्लुक़ मज़हब इस्लाम से है। मेरा नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम है। इतना कहकर ख्वाजा गरीब नवाज आगे बढ़े। जैसे ही आगे बढ़े, सबसे पहले पंडित कदमों में गिरा और कहने लगा, बाबा सिर्फ दूध पिलाने आया था या हम गुनाहगारों को मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का उम्मती बनाने के लिए। अल्लाहु अकबर। पूरी बस्ती कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। हैरत की बात है, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कान पकड़ लें तो पत्थर दूध पी लेते हैं, उनकी बात पत्थर मानते हैं, फिर हम कैसे मुसलमान हैं। दामन भी थामे बैठे हैं और काम भी बड़े अजीब करते हैं। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। शुक्रिया।